नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी समाचार की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए इन्हीं समाचारों के बीच में एक बड़ी खबर पर रुख करते हैं। यह खबर सरकारी जालसाजी और धोखाधड़ी के तमाम पोल खोल के रख देगा। जी हां, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में खुद शासन और सरकारी तंत्र ही कर रहे हैं आदिवासी बच्चों के साथ घनघोर उत्पीड़न और शोषण। तो आइए देखते हैं आंखों देखा हाल, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की श्रृंखला की पहली कड़ी, जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। गढ़चिरौली का शासकीय आश्रमशाला, ये नाम आते ही हमारे जेहन में सवालों की बारिश होने लगती है। और इन्हीं सवालों का जवाब जब हमने सरकार और कलेक्टर से मांगने की कोशिश की तो जवाब किसी के पास नहीं मिला, सिवाय उनके जिन्होंने इस आश्रमशाला का नर्क झेला। जी हाँ, वे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो ये जानते ही नहीं कि झूठ क्या होता है, उन्होंने जो कुछ हमारे कैमरे पर साझा किया वह कितना शर्मनाक और घिनौना है, दिल मजबूत करके देखिएगा। सुबह फल में कुछ दूध, फल, केला, दूध, कुछ डंडे नहीं, ये सब नहीं है। कौन सी स्कूल है, क्या नाम है इसका? भवन। आपका नाम? आज संडे का क्या देते आप? आज संडे में आप आज नहीं है, भाजी पाला। भाजी पाला। बाकी अंडे कितने दिन में एक बार देते? 15 दिन में एक बार। और मटन मछली? मटन में कुछ, चिकन में कुछ? चिकन में। कितना दिन में? महीने में? 15 दिन में एक बार। आप क्या बोल रहे थे, महीने में एक बार? महीने अंडे 15 दिन में एक बार। और चिकन? चिकन 15। ऐसे रहते हैं, इनको वो नहीं, गद्दा नहीं है। बाकी विद्यालय में क्या है? बाकी विद्यालय में तो आया गद्दी। इस रूम में कितने बच्चे रहते हैं? इस रूम में करीबन 60 बच्चे। तो इन लोगों का कपड़ा रखने का भी ऐसे ही है? हो दिख रहा हूँ, बच्चे का रहने का इसी में रहते हैं। दूध मिलता है, फल मिलता है? नहीं मिलता। बोलना का कैमरे से? नहीं मिलता। फिर आपको अंडे वगैरह हफ्ते में एक बार देते कि महीने में एक बार? महीने में एक बार। महीने में एक बार? पक्की बात है, सोच के देखो। कितना अंडा? एक अंडा। सरकार की तरफ से तो आपको केला मिलता है, दूध मिलता है रोज सुबह? नहीं, नहीं, नहीं मिलता रोज। आपने अपने कभी प्रिंसिपल को बोला नहीं? हेडमास्टर को अपनी दिक्कत है? आपको बेडशीट नहीं मिली, गद्दा नहीं मिला? कब से? आप कितने साल से रह रहे इस स्कूल में? पहली क्लास से। अभी तक आपको चादर कहाँ, कौन सी क्लास में है? तो आप पहली क्लास से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पहली क्लास से आप इसी तरह से चादर के ऊपर सोते हैं नीचे में? मतलब 10 साल से आप इसी तरीके से नीचे सोते एक चादर पे? गद्दे कहाँ से लाते थे? ये सब कपड़े कहाँ से लाते हैं? घर से लाते हैं। स्कूल से नहीं मिलता? स्कूल से कुछ नहीं मिलता। मिलता है लेकिन क्यों नहीं लेते? एक एच मिलता। क्या मिलता है? चादर और तकिया? तकिया मिलती है। उसी 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 भी नहीं मिलता। गद्दा? आप मतलब खटिया, इसका व्यवस्था नहीं है? गद्दे खटिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? तुमसे सटी देखभाल सटी वार्डन आ रहा था? बड्डे मैडम आता है क्या? अवेलेबल कभी आते कभी जाते हैं? कितनी देर कब आते हैं, कब जाते हैं? तो वार्डन रात को, रात भर नहीं रहती? रात भर? फिर रात भर कौन रहता है आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए? कोई महिला टीचर नहीं रहती रात को? कोई महिला रहती है आपके साथ? लेडीज नहीं रहती? और पंखे की स्पीड जरा देखिए, इससे हवा आती है क्या? तो आप शिकायत क्यों नहीं करते? आप इसकी शिकायत की है क्या? आपको पानी कहाँ से मिलता है? मशीन लगी है आरओ मशीन? नल से पानी पीते? चले टैंकी का देखेंगे हम, टैंकी की अवस्था क्या है यहाँ की। शायद यही बोलूंगा कि पीने लायक भी नहीं है सर, इससे बीमार भी हो सकते हैं। पीने का पानी ये है, ये तो पीने के पानी का नल तो बंद है, बंद है। मोटर बंद है तब मतलब एक बच्चे को प्यास लगेगा तब आप मोटर चालू करेंगे? ये भी पानी पीते हैं लोग, ये भी पानी पीते हैं आप लोग? ये पानी पीते हैं क्या? यही पानी पीते हैं, बच्चे भी कह रहे कि यही पानी पीते हैं। और हमारे मैडम बोल रहे हैं कि टीचर नहीं, हम ये नल का पानी पिलाते हैं। ये कपड़ा कौन धोन देते तुझे? स्वतः धोते तू? तुला धोता ये क्या?
तुझे चप्पल कुठे आहे? चप्पल नाही आहे. ठीक आहे सॉरी. बेटा कोणती वर्गात आहे तू? सहावी. आणि हे कपडा कोण धुते तुझे? स्वतः झाडू पोछा स्कूल मे. तुझ्या रूम मध्ये साफसफाई कोण करते? तुम्ही आपका चप्पल किधर? चप्पल चप्पल नाही आहे. कपड़ा कौन सा आप करता है इधर? खुद. सरकारी उदासीनता, संवाद की कमी और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा धोखा इससे पहले आपको शायद ही कभी देखने को मिला होगा. अधीक्षक और मुख्य अध्यापक द्वारा शासकीय माल की हेराफेरी कर विद्यार्थियों के साथ मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जाता है, जिसमें शासन के कई आला अफसर, अधीक्षक, मुख्य अध्यापक और कई कर्मचारियों को संलिप्त पाया गया है. आदिवासी विकास विभाग और महाराष्ट्र शासन द्वारा संचालित यह विद्यालय आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए चलाया जाता है, पर शिक्षकों और शासन के तमाम अधिकारी इन विद्यालयों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते. ये चावल है, ये देखिए, ये चावल है, यही बच्चों को परोसा जाता है. आप लोग यही खाते हो? मैडम में कौन सा चावल है? ये चावल कहाँ से आता है? कंट्रोल का. कंट्रोल 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 का चावल. सोसाइटी का. ये देखिए धान उन सब पड़ा हुआ है, छू सकते हैं? ये देखिए धान चावल सब. ऊपर क्या है मैडम? कपड़े. कैसे कपड़े हैं? जूता नहीं है? हाँ, क्या मिलता नहीं है क्या? नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं मिलता. क्या सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती है सर? अब तक तो नहीं मिली सर. पक्की बात है? सही बात है. चलिए कहते इसमें कितने बच्चे रहते हैं? एक रूम में 20 बच्चे रहते हैं. उसको सोने के लिए गद्दा? गद्दा नहीं, चादर. आप चादर दिखाएंगे सर? तो ब्लैंकेट और चादर तो कैदियों को भी मिलते हैं. हाँ, तो ये बच्चे एक कपड़े रखने के लिए, बैग रखने के लिए, सामान रखने के लिए कोई रैक दिया आपने? उसका तो सर वो बड़े साहब को बताए, लेकिन शासन की तरफ से कोई मदद नहीं है. आपको कोई मदद नहीं है, बच्चों को इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो छोटे छोटे बालकों का ये जो शोषण हो रहा है, दिक्कत हो रही है इतनी बुरी स्थिति में, फर्श पे सोने को मजबूर है. खटिया है इधर? नहीं है. बेड है? नहीं है. तो ये बच्चे जमीन पे सोते हैं? नहीं. हाँ बोला ना मैंने, चादर ब्लैंकेट. चादर पे सोते हैं? चादर पे बिछा के इस फर्श पे सोते हैं हर बच्चा? अगर ये बच्चा अगर यहाँ पे सो रहा है तो जो सच है वही बोलूं. ये फर्श पे नहीं, फर्श पे चादर बिछा के सोता है. बड़ी बात यह है कि ठंडी में भी बच्चे यही कम्बल ओढ़ते हैं, गर्मी के लिए भी यही है और बारिश के लिए भी यही. इस रूम के कपड़े धोने का क्या है? बच्चे खुद धोते हैं? हाँ. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे? हाँ. मतलब पहले क्लास के बच्चे भी कपड़े धोएंगे खुद के? हाँ. सचिन ओमवासी जी ये सब चीज़ों को देखते हैं क्या? कभी उनका विजिट हुआ? नहीं. आपसे मिले? नहीं, में गए? कभी नहीं. डेवलपमेंट के लिए कभी आए? जैसा कि आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ के सरपंच के साथ खड़ा हूँ. इनका कहना है कि कभी भी शासन की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आता जो बच्चों के लिए, जो शिक्षा के लिए कुछ काम करें, जो विकास के लिए बातें करें या आगे का प्लान करें. आप बच्चों को पाठा पिछपिच पढ़ाते हैं? यस. काइंड ऑफ प्रोनाउन बताएं. नाउन वर्ब. काइंड ऑफ प्रोनाउन? नाउन. काइंड ऑफ प्रोनाउन? काइंड ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन. सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं इंग्लिश में आप बताएं? देखो सर्वनाम जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या है? जैसे कि काइंड ऑफ किया प्रोनाउन के क्या बताऊं? आपके यहाँ के कंप्यूटर गवर्नमेंट से सप्लाई या आपके गवर्नमेंट से सप्लाई हुआ है? हाँ, गवर्नमेंट से सप्लाई. कितना पीस हुआ था अपने पास? 10 पीस. 12. 10 पीस है अभी? दसों पीस अभी चालू कंडीशन में? हाँ, चालू कंडीशन में हमारे 2 पीस है सर. अच्छा. बाकी पीस नहीं है. और रिकॉर्ड करना होगा कि यहाँ पर 10 कंप्यूटर हैं लेकिन वर्किंग सिर्फ 2 है. लाइट वगैरह है कुछ?
अच्छा आपका मोबाइल लगा दो। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं इस विद्यालय में देहात पर मैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के, आपका क्या पद है यहाँ पर? सुपरवाइजर के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यह बच्चों को पढ़ाने की, उनको टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए क्लासरूम बनाया गया है। क्लासरूम की व्यवस्था देख सकते हैं कि इसमें एक भी न तो बोर्ड में बटन है, न तो प्लग लगाने की व्यवस्था है, न ही यहाँ पर लाइट है, न पंखा है, न ऊपर पंखे लगाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि न तो कोई बच्चा यहाँ पर बैठ सकता है, न तो पंखा चल सकता है, न तो कंप्यूटर चल सकता है। जैसा कि अभी हम सुपरवाइजर से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 10 कंप्यूटर हैं शासन के द्वारा प्रदान किए गए 10 कंप्यूटर हैं, लेकिन जब आ करके देखा तो यहाँ पर एक भी कंप्यूटर नदारद पाए गए। आप टेबल की व्यवस्था देख सकते हैं, कुर्सियाँ है ही नहीं, टूटे हुए टेबल हैं, और एक भी कंप्यूटर, यहाँ तक कि आप बोर्ड को ले जाए कैमरा को, लाइट ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आदिवासी शासकीय आश्रमशाला वामनी में खड़ा हूँ। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं और यहीं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय व्यतीत करते हैं। जैसा कि आप कैमरे के थ्रू देख सकते हैं यह टूटा हुआ सेट, इस मौसम में बच्चे यहाँ रखे जाते हैं। बरसात का मौसम है, अगर यह सेट नीचे गिरे तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ किस तरह की गंदगी व्याप्त है, पान और गुटखे खाकर थूका गया है। जहाँ बच्चे रहते हैं वहीं पर पढ़ते हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी गंदगी आप कैमरे के थ्रू देख सकते हैं। टूटे हुए पंखे यहाँ की स्थिति बयां कर रहे हैं। खाने पीने की इतनी गंदी व्यवस्था जिसका आकलन नहीं लगाया जा सकता। इसी विद्यालय में जहाँ 12वीं तक की छात्राओं का हॉस्टल है, उसके बाथरूम में गेट तक नहीं है। मैं इसी बाथरूम के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर एक छोटे पर्दे के अलावा कुछ भी नहीं है, और यह क्रम वर्षों से जारी है। लड़कियाँ यहाँ खुले में नहाने के लिए मजबूर हैं। जब यहाँ के महिला कर्मचारी से बात किया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर लड़कियाँ तो रखी गई हैं पर उनकी सुरक्षा भगवान के भरोसे है, कोई वार्डर नहीं है, रात में सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और कोई सुरक्षा नहीं है। बनाने की स्थिति यह है कि वो लकड़ी पे बन रहा है, यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं है। के हमारा गेट बंद कर दिया गया ना देखने के लिए। सर वैसी बात, यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है जो पढ़ रही हैं? लड़कियाँ 111 लड़कियाँ जो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की हैं, उनके लिए कोई भी वार्डन इस समय उपलब्ध नहीं है, मतलब उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस स्कूल के ग्राउंड से खड़े होकर के प्रधानाचार्य और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा हूँ, पता चल रहा है कि यहाँ पर इस समय वार्डन नहीं है। क्या उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया था छुट्टी के लिए? नहीं, मैं जब चार्ज लिया उससे पहले वो मेडिकल पे गए हैं, बता के गए। तो यहाँ पर कोई दूसरा वार्डन नहीं है? वार्डन तो चार्ज रहता है। तो किसको दे के गई हैं? मुझे मैडम से बात कर रहे थे, मैडम से बात कर रहे वो एक तरफ वो 24 घंटा सुरक्षा देखती हैं। सुरक्षा बोले तो जो भी मतलब उनका मतलब गरज रहेंगे वो उसके हिसाब से मतलब आते रहते हैं। अच्छा, जैसे छुट्टी देना है उनका। रात में लड़कियाँ यहाँ पर रहती हैं, हॉस्टल है, यहाँ पर लड़के भी रहते हैं। वो रात को सुरक्षा में कौन खड़ा होता है गेट पे? रात को मतलब सुरक्षा मतलब अभी जो अपना प्रीमाइसेस है वहाँ पे मतलब लड़कियों का मतलब अलग ही है सेक्शन। हाँ, हाँ, लड़कों का अलग है। कहाँ सेक्शन है? मतलब लड़कियाँ उधर रहती है और लड़के इधर। हाँ, तो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर कोई खड़ा रहता है? नहीं, सुरक्षा के लिए उधर कोई नहीं, मतलब मैडम रहती है उधर, वार्डन मैडम। रात को खड़ी रहती है वहाँ पर? बैठी रहती है? बैठी नहीं रहती, जगती है? नहीं जगती। जहाँ पर महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार से लेकर के महाराष्ट्र सरकार बहुत सारी बातें करती है, ग्राउंड जीरो पे आकर के देखा गया, यहाँ पर उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वो जो नहाती है वहाँ पर, वो जो बाथरूम है, दरवाज़ा नहीं है सर, उसमें दरवाज़ा नहीं है। और प्रधानाचार्य जी बोल रहे मुझे 15 दिन में यह बात का पता नहीं चला,
कि उसके अंदर दरवाजा नहीं है, लड़कियों के बाथरूम की तरफ नहीं जाते हैं। क्यों भी आप खुशखबरी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में हो आप, महिला को साथ में ले जा करके एक बार आप अपना कैंपस तो देख सकते हो ना। वो अगर कंप्लेंट करती है तो हम बता, मैं बोल रहा हूँ कंप्लेंट नहीं, आप अपने वार्डन को लेके, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, आपकी अथॉरिटी को लेकर के, क्या आप अपना कैंपस भी नहीं देख सकते? नहीं, वो बताया है इसके एस्टिमेट करके, नहीं क्या जो जो दुरुस्ती वगैरह है वो आपने किसी को दिया है? नहीं, वो आए थे, मैंने देखा था। क्या आपने उसकी कोई शिकायत कहीं पर दी है? नहीं, जो ऊपर से ही आया था, कुछ जो जो काम है स्कूल के उनके इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है। कौन लिया है इन्फॉर्मेशन? ऊपर से ही लिया है। क्या नाम है उनका? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने क्या है, एसएनसी से पैसा आया हुआ है और उन्होंने अभी तक मुझे चार्ज हैंडओवर किया नहीं। आपका आरोप बंद है। हाँ सर, मैंने पत्र व्यवहार भी किया हुआ है कि ऑफिसर से मुझे जो चार्ज दिया हुआ है, यानी चार्ज मुझे भी मिला है, मगर अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ। और एसएनसी का क्या है, जब तक वो हैंडओवर नहीं करेंगे, चार्ज बुक नहीं है मेरे पास, ये अकाउंट बुक नहीं, तो मैं कहाँ से पैसा निकाल। आपने इसके लिए कोई एक्टिविटीज़ की? हाँ हाँ सर, मैंने लेटर भेजा है किसको, ऑफिस को, कि अभी तक ये कभी चार्ज जो है आपने लेटर कब दिया था? दो बार दिए हुए सर चार्ज देने के लिए। जैसे चार्ज मेरे पास आता है सर, मैं आरोप काम कर कम कर दूँगा। वो लड़की, तुम्ही दोघे जण एका थाळीमध्ये कसं खाय खाताय? प्रेमाने खाताय की थाली नाही आहे? की थाली कम आहे? थाली नाही आहे सर। इस तरह से गंदगी है यहाँ पे, देखिए। ये है शासकीय आश्रमशाला की पानी पीने की जगह। आप समझ सकते हैं कि पानी की मतलब जगह, पानी पीने लायक है कई जगह? बोलो, कर दो। आप देख रहे हैं आश्रम शाला, शासकीय आश्रम शाला में बच्चे लोग शौचालय साफ कर रहे हैं। और इनसे बेटा इधर, तुम्हारा नाम क्या है? श्रेयस। कौन सी वर्गत है? सातवीं। ये साफ करने के लिए कौन बोला आपको? कौन सी सर, नाम का हेडमास्टर का मानते संडा साफ करा सकी? साफ करून टाकायचं तर किती दिवस पासून साफ करत आहे तुम्ही असं रोज? तो अभ्यास कधी करते? इकडे बाबू, तुम्ही कधी संडा साफ केले का? इकडे बघ, तू वरतीच राहते ते बाथरूम कोण साफ करते? गावडे। कोणते वर्गात आहे? आठवीत आहे। आठ मध्ये मराठी सब्जेक्ट? मराठीच मध्ये शिकतेस? तो गाव कुठलं आहे तुझं? गरका भेटता, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट मध्ये आहे। अच्छा, तुझे क्लास टीचर कोण आहे? विरज सर। हे बाथरूम साफ करायला कोण म्हणतो तुम्हाला? ते वाढ्यान का खाली जे सारा तुम्ही साफ करते का? ते कोणी काम वाले ठेवले नाही का साफ करायसाठी? काहीतरी गेल्या वर्षी होते। तुम्ही किती पासून पडत आहे इकडे? चौथी पासून। चौथी, सातवी, आठवी, आता तीन वर्ष झाले ना तुम्हाला? तर तीन वर्षापासून हा स्टुडंट साफ करते? या वर्षीच नाही, गेल्या वर्षी होते। ते का मतलब सुट्टीमध्ये गेले का असं सोडून गेले? तुम्हाला नाही माहित ना? क्या आप बच्चों को पाय का पीछ पीछ पढ़ाते हो? सब स्पीच सर अभी मैंने ये नहीं। अच्छा, आपको आता है पाय का पीछ पीछ, नाउन प्रोनाउन? तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं, काइंड ऑफ नाउन? क्योंकि आप इंग्लिश के हैं इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हमें आप संज्ञा कितने प्रकार की होती है, काइंड ऑफ नाउन कितने होते हैं बताइए। सब एक टाइप्स के। कौन कौन से? कॉमन नाउन, एडजेक्टिव 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 न
अब आप बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कई सब टेंस फ्यूचर कौन को पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फिर फ्यूचर फिर प्रेजेंट पास्ट शुरुआत सीधा क्रम में बताइए पास्ट टेंस पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर अनिल किस क्लास में पढ़ते हो आप? आठवें में यहीं रहते हो आप? हाँ इधर रूम में रहते का आप पढ़ते भी इसी में हो? क्लास कहाँ चलता है? यहीं पर क्लास चलता है और यहीं पर सोते रहते भी हैं। हॉस्टल नहीं है? नहीं है हॉस्टल नहीं है। तो ये जो बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा है वही पढ़ा रहे हो आप वही सुला रहे हो क्या? आपने अपने कलेक्टर को बोला था? आज जो आए थे कौन आए थे? आज उमा से आपको बताएगा कि बच्चे यहीं रहते हैं यही खाते हैं और यही सोते हैं। उमा से आपको बताया ना? तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि मैं करें। अभी उसका प्रपोजल हुआ है हॉस्टल बनने के लिए लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक बच्चे यहीं रहेंगे। सेटलमेंट अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा ये बच्चा बेटा इधर आओ। एक बीमार है साल भर है बुखार है सर इसको बीमार है। डॉक्टर देखा है आपने? हां बेटा बहुत के बहुत डॉक्टर बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अन्ना भाई जाला तुझे अभी दवा खाने से बीमार है यार इसको अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत है सर। फर्स्ट एड बॉक्स है आपके स्कूल में? हां फर्स्ट एड बॉक्स मंगाई सर। हां टेबल पे देख लेते हैं। अब सर इसको आप इमीडिएटली अगर आप नहीं ले जाए तो मैं ले जाऊंगा। अभी दवा खाने हम पे जाएंगे। दवा देखा आपने? दिखाइए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दवा निकालो तो बाबू ये बच्चा देखिए इतनी गंदगी में रहेगा। ये बच्चा है किसी का बेटा है? इसको बैठने के लिए क्या है? गद्दा भी नहीं लगाया सर। बोलने के बाद गद्दे में गुस्सा सुनाया जा रहा है सर। मतलब कोई देखभाल नहीं है यहाँ पे बच्चों का बिल्कुल। मतलब जेल से भी बदतर जिंदगी है यहाँ पे लोगों के बच्चों की। मतलब एक जेल में जैसे ठूस ठूस के भरा जाता है उसी तरह से बच्चों की हालत देखिए। इसको कुछ भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा ऐसा होता तो आप तो आप लोग जब बच्चों को रखते हो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ गए एडमिशन काफी दर्जी। जब आप लोग बच्चों को यहाँ पर रखते हो तो क्या अभिभावक कहते हैं कि कोई अंडरटेकिंग कोई बॉन्ड कोई पेपर वर्क होता है आपका? होता है आप जो किसी के बच्चे को यहाँ लाते हो पढ़ने के लिए रहने के लिए तो क्या माँ बाप से और आपके स्कूल के बीच में कोई पेपर वर्क कोई एग्रीमेंट कोई बॉन्ड बनता है क्या? बच्चे को आपने इसमें से एक भी खुराक खिलाया नहीं। मतलब बड़ा ताज्जुब होता है आपका। बच्चा बीमार है और आपने अभी तक दवाई लाए नहीं। आधे घंटे से आप हमारे साथ में हैं आप हमारे सामने घूम रहे हैं। नहीं सुनिए मेरे बात। मैं आपको देखा हूँ और आप बोल रहे हैं अभी लाया हूँ तो जिम्मेदारी हम बहुत जरूरी है। आप हमसे बात मत कीजिए पहले। आपका जिम्मेदारी है बच्चों को दवाई पिलाइए। इसमें गलत पानी में ये गलत बात है। आपको हमने कोई सवाल नहीं किया। आपका काम था दवाई पिलाना। आप क्यों घूम रहे हैं? आपका बच्चा समझिए रखने के लिए उधर गया है। खाना बनाने वाले सब तो रहेंगे तो वो सफाई कर्मचारी होंगे। सफाई कर्मचारी होंगे फिलहाल हम गए सलाम तो नहीं गए। भोजन दारी भी दिए थे। इस बार आपके यहाँ सफाई कर्मचारी एक भी नहीं है? नहीं है। तो यहाँ की रख रखाव सफाई कौन करता है? उनसे करवाते हैं। तो अगर आप पहली दूसरे दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या विषय पढ़ाते हैं? ये मराठी तो उनको जैसे आप हमारे अनार पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है। हमारे अनार अगर आप पढ़ाते हैं तो उनको हिंदी में भी पढ़ाते हैं कि इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं? नहीं हम हिंदी में पढ़ाते हैं मराठी में पढ़ाते हैं। मतलब आपकी जो समझ है जो आपका ज़्यादातर पढ़ाने का समय बीता है
तो मराठी विषय बोला है। बाकी दिक्कत नहीं है, और आपको पढ़ाना पड़े तो क्या पढ़ा लेंगे? छंद विच्छेद आता है आपको? छंद विच्छेद मराठी में भी तो छंद विच्छेद होता है, आपको पता है? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मैं मराठी में अलंकार की बात करूँ जी। याद नहीं उतना। अच्छा याद नहीं है, तो चलिए उसको हटा देते हैं। मराठी साहित्य के जो अच्छे कवि और अच्छे लेखक हों, ऐसे पांच कवियों और पांच लेखकों का नाम जिनसे आप प्रभावित हो मराठी साहित्य में, क्योंकि आप पढ़ाते हो, आप हेड मास्टर हो, आप खुद भी पढ़े हो और आप बच्चों को भी पढ़ाते हो, तो ऐसे कवि ऐसे लेखक मतलब राइटर पोएट मराठी के 10 लोगों का नाम बताइए। मालवेकर है, और ऐसे और कौन है? सुषमा है। सुषमा कौन? कौन सुषमा है? कौन सुषमा है? लेखक है कि कवि है? कवि है। अच्छा, किस विषय की कविता लिखती है? मतलब क्या जैसे होता है ना कि कुछ लोग करुण रस पे लिखते हैं, कुछ लोग वीर रस पे लिखते हैं, ये सुषमा जी किस विषय पे लिखती है? केवल पांच कवियों का नाम बताइए मराठी, या पांच लेखक, पांच मराठी साहित्य का नाम बताइए जिसको आप पढ़े हो या जिसको आप पसंद करते हैं। हाँ, आप एक काम करें, प्लीज देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम आप आगे पूछ रहे हैं तो नहीं, आप आराम से, मैं तो बहुत छोटा, मैं तो बच्चों वाले सवाल पूछ रहा हूँ, आराम से आप मैं आराम से मेरा इंटरव्यू जैसा हो रहा है तो इंटरव्यू तो लूँगा। आप बच्चों के पता नहीं है, बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, तो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो कितने लिखे पढ़े हैं वो तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, देख सुन लीजिए, टाइम दे दीजिए, सुन क्या करिए, आराम से बताइए। देश के उपराष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। अपना इंडिया में फडणवीस है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और ये राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा हूँ। सर याद है, मेरे पहला व्यक्ति है, पहला सदस्य भारत का, सबसे सर्वोच्च 1 से लेकर 8 तक का विद्यालय है, 8 की स्पेलिंग लिखी है। जी ओके ठीक है, और 81 सर अक्टूबर महीना लिख दीजिए एक बार। अक्टूबर की स्पेलिंग लिखिए। अक्टूबर अक्टूबर महीने का नाम है अक्टूबर। इतना ये क्यों बिल्कुल अरे बेसिक बात है, ये तो बच्चों को है। मंथ का महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जैसा है कि हम इतने दिन अधिक से चार्ज पे थे, लेकिन तो ये तो रोज लिखते हैं हम लोग, हम मराठी ज्यादा। अच्छा आप अक्टूबर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत सही जो लिखना है अक्टूबर लिखिए। अच्छा अब सर छोटा सा, सिर्फ आश्रमशाला का इंग्लिश कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ अभी मैं लिखवा दूँ। सर आप इसको कैपिटल में लिखिए, कैपिटल लेटर पता है ना, कैपिटल में, कैपिटल लेटर में, कैपिटल में लिखिए सर। मुंबई सिर चल
अभी देखिए गवर्नमेंट को पूरा लिखिए ना, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट लिखिए, गवर्नमेंट पूरा लिखिए, पूरा गवर्नमेंट शॉर्ट पे मत लिखिए। कैपिटल में सर, कैपिटल में हमें समझ में नहीं आएगा। सर ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सीधा सीधा लिखिए, काट रहे हैं ना, जो आप कहेंगे कि हमने काट दिया। हमारा लिंक अभी बहुत टूटा है सर। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट लिखिए, गवर्नमेंट की सैलरी आती है, स्टेट गवर्नमेंट हर महीने तो आती है। सैलरी रुका है क्या इस महीने का? आया है नहीं अभी, आने का है। अब उस गवर्नमेंट से जिससे आपको सैलरी आती है वो तो लिखना आता ही होगा। सर मैं अभी भी देखिए इसमें कटा हुआ है, देखिए कटा हुआ है तो अच्छी बात नहीं, यहाँ पर क्लियर लिख दीजिए ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्लियर रहेगा तो अच्छा लगेगा। स्पेलिंग क्या लिखे सर ना, स्पेलिंग क्या? वो आपने को ज़्यादा ये नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए सर। ठीक है, एक काम करिए ना, अपने क्या नाम है अभी आप बता रहे थे, सचिन क्या नाम है वेंकटेश आपका नाम, उनका नाम क्या है, वो जो अभी आपके ऑफिसर हैं जो आज आए थे अधिकारी सचिन अम्बासी, तो सचिन अम्बासी तो आप लिखिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंग्लिश में, आई एस है वो। अच्छा इंडियन लिखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लिखिए, सर्विस लिखिए, इस सर्विस को आप कैपिटल में लिख दीजिए। सर्विस की स्पेलिंग क्या लिखी है? एस ए आर बी आई एस, ये लिखे ना, एस ए आर बी आई एस यही लिखे ना आपने, यही लिखा है ना, ठीक है अपना नाम लिख दीजिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको काटिए मत बार बार, फिर से लिख दीजिए यहाँ पर, आपने काटिए मत बार बार, जैसा लिखे वैसा ही, यस ए आपका नाम सही, डेट डाल सर, सिग्नेचर कर दीजिए, थैंक यू सर। इतने अच्छे अच्छे टीचर रखे हैं, इतना सैलरी दे रहे हैं, इतना बढ़िया बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो फिर वो तो बात नहीं होगा। जी नमस्कार, झाड़ू पोछा जो है कौन कौन करता है? सब लोग, तो अपना नाम तो बताओ, क्या नाम है आपका? हाँ रोजा, आप क्या क्या करती हो यहाँ पर, काम करती हो क्या कुछ, क्या करती हो, झाड़ू पोछा करती हो क्या आप यहाँ का? अच्छा, और लेटरिन बाथरूम कौन सा आप करता है? सब लोग, आप सब लोग, आपका नाम क्या है? पूजा दामोदर मडावी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो आप? ये झाड़ू पोछा आप मारती हो यहाँ पर, और लेटरिन बाथरूम कौन सा करता है? आप भी करती हो, ठीक है, आपका नाम क्या है? अच्छा गायत्री, अच्छा तो गायत्री आप किस क्लास में पढ़ती हो? छः में,
यहाँ की सफाई कौन करता है? आप करती हैं। लैट्रिन बाथरूम कौन धोता है? आप धोती हैं। सब डिविजनल ऑफिसर एंड असिस्टेंट कलेक्टर सचिन अम्बासे से जब इस विषय पर बात की गई तो वे जवाब देने से बचे, यहाँ तक कि वो मुझे धमकाते हुए बोले कि मैं आपके ऊपर FIR लॉज करूँगा। आगे की बात आप उनसे ही सुने, आप उनकी रिकॉर्डेड बातों को सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एक पत्रकार से बात की। हेलो हेलो जी नमस्कार, मेरी बात सचिन अम्बासी जी से हो रही है? हाँ यार बोलिए। नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी बात कर रहा हूँ 7 न्यूज ब्रॉडकास्ट मुंबई से। कल मैं आया हुआ था गढ़चिरौली और अभी मैं गढ़चिरौली में ही हूँ। मैं कुछ आपके विद्यालय में गया था, उसी से रिलेटेड मुझे कुछ आपसे बात करनी थी, आपसे मिलना था, रिव्यूज। ठीक है, एक बात पहले बताइए, आपने परमिशन लिया था क्या मेरा विद्यालय में जाने से? परमिशन तो कहीं जाने के लिए ऐसा कुछ ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है मुझे कुछ। नहीं नहीं, कहा आपको पता नहीं, लेकिन हमारे पास तो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का GR है। अगर बच्चों को कुछ होता है उसके साथ, कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों के साथ, तो जो हो रहा है वो तो रिकॉर्डेड है। और आपको नहीं, नहीं वो नहीं है, वो हाँ, नहीं है, आपको और मुझे भी देखिए, आप IAS ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। FIR भी फाइल कर सकता हूँ मैं आपके खिलाफ, देखिए आप FIR फाइल करने की बात अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं कि आप कहाँ भी उठ गए और कहीं भी चले गए। और उसके अगर बच्चों के साथ कुछ होता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के साथ तो आप सोशल कर रहे हो। हाँ, आप बच्चों के साथ कितना बड़ा, मैं तो बात करूंगा PMO में आपके अगेंस्ट, मैं आपको बात करता हूँ लोक सेवा आयोग में, आप मुझे धमकी दे रहे हो, मैं आपसे आपका रिव्यू मांग रहा हूँ, आप बोले मैं FIR कर दूंगा। आप FIR उन टीचर्स के साथ नहीं कर रहे हो जिनको अपना नाम लिखने नहीं आता, और आप मुझे धमकी दे रहे हो। परमिशन क्यों लिया मैं आपको? मुझे परमिशन, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आऊंगा तो मैं परमिशन लेके आऊंगा। ठीक ठीक है ठीक, किसके लिए इन्वेस्टिगेशन? ऐसे थोड़ी ना होता है, वो कैसे होता है इन्वेस्टिगेशन? ठीक है चलो, आप ऐसे ही है, मैं एक चैनल ऑपरेट करता हूँ, मैं आकर के देखूंगा कि क्या स्थिति है। इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा आप कहीं भी नहीं घुस सकते, हमारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर लेट डाउन है। मैं गवर्नमेंट के प्रोसेस से ही गया हूँ, मैं सारा प्रोसेस, सारी चीजें जो है वो फॉलो किया हूँ मैं। बताइए, सुनिए बताइए, सुनिए मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए, हाँ बोलना है ना, सुनिए। तो एक बार आप आते और तुम, आपको नाम ही नहीं बोलता, लेकिन प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट का वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप एक काम करिए, मैं गवर्नमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ, यदि आप में सत्यता सच्चाई है, आप एक काम करेंगे, बाकी के स्कूल में मेरे साथ आप चलेंगे, आप स्वयं समय दे पाएंगे। आप इतनी सैलराइड हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब में हो, IAS ऑफिसर हो, ऐसी स्थिति में भी अरे आप एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं हैंडल कर पा रहे हो। सुनो 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 एक भाई सुनो, बताएं ये तो कर पाते, मैं कम को आपको रिटर्न परमिशन तो देता ना, आप रिटर्न में तो लिखते हैं अगर हम लोग बच्चों के साथ कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता? बच्चों के साथ तो वहाँ हो रहा है, जेल से ज्यादा बदतर स्थिति है। अरे नहीं ना, वो तो जेल से ज्यादा बदतर, आपके हेड मास्टर को सिरोंचा लिखने नहीं आता, उसको वर्णमाला में कितने शब्द हैं ये नहीं पता है, आप उसको टर्मिनेट कब कर रहे हो ये बताओ मुझे, तो आप FIR लॉन्च करिए। नहीं, मैं कौन से पुलिस स्टेशन में आना है, SP ऑफिस में मैं आता हूँ, मुझे आप अरेस्ट करा दीजिए। नहीं आप, आपको क्या चाहिए सर, आपको क्या इन्फॉर्मेशन? मुझे आपका इंटरव्यू लेना है इसी मुद्दे पे, मुझे अब आपका इंटरव्यू चाहिए, मुझे FIR की बात करो, रिकॉर्डेड है। आप पहले ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया, आप FIR की बात कर दिए, ये क्राइम एक्टिविटी है क्या? ये प्रोसीजर नहीं होता, नहीं आप प्रोसीजर, आप शिकार प्रोसीजर में देश को बेच दे रहे हो, आप IAS ऑफिसर हो। ठीक ठीक ठीक, आप स्थिति में हो, आप मुझे क्या, मैं इलेक्टेड पर्सन हूँ, आप ना, मैंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है क्या? आप FIR की कैसे बात कर दी है? देखो देखो देखो, आपका आपके इरादे नहीं होंगे, लेकिन बाकी दूसरा कोई बंदा हमारे बच्चों के साथ करेगा तो क्या हम क्या कैसे वॉच रखेंगे उस पर? मैंने आपके SP को आने से पहले इन्फॉर्म किया था, देशमुख जी को। ठीक है ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। नहीं 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 ठीक है, SP को इन्फॉर्म किया था, लेकिन SP ने हमें बताया था कि फिर SP साहब ने हमें बताया। अच्छा ये बताइए, मैं हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को बताता चलूं? अरे वो इतनी ज्यादा बदतर स्थिति, इतनी ज्यादा शोषण है, मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा, मैं जेल को देख के आया हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति। मैं कल परसों, मुझे जॉब ज्वाइन करता हूँ आपके यहाँ, आप मुझे ऑर्डर करो कि मैं वही फॉलो करूंगा। ठीक है ठीक है चलो, आप ठीक है, आपको जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ सचिन जी, मेरी बात सुनिए, मैं एक मिनट में आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने आपके विद्यालयों में जाकर के जो स्थिति देखी है, आप इस चीज के लिए स्पेशली अपॉइंटेड हैं, पेरोल पे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब में हैं। मैं आपका रिव्यू लेना चाहता हूँ। तिवारी जैसे कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कल आ जाइए ऑफिस में, दे दूंगा।
ऑफिस में आ जाइए मेरे पीओ ऑफिस में। ठीक है, जरूर आऊंगा, प्लीज आप बुला के। दोपहर में, दोपहर के बाद आ जाइए, मैं दोपहर में रहता हूँ, 2 बजे के बाद आ जाऊंगा। बड़े मुश्किल से जब उनसे मिलने का समय निर्धारित हुआ तो काफ़ी देर तक वो अपने अलग अलग काम में बिजी पाए गए, और जब हमारी टीम ने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं हमारे साथ चलते, क्यों नहीं बाकी के विद्यालयों को हम लोग साथ में मिलकर के देख लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो ये बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ऐसा मुझे कोई आदेश नहीं है और मैं आपको आंसरेबल नहीं हूँ, अतः मैं किसी भी बात को करने से मना करता हूँ, आप जाइए कहीं और बात कर लीजिए। इसी क्रम में आदिवासी विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों को जब फ़ोन किया गया तो वे भी अपना जवाब देने से बचे। हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर EH मडिक, जो कि नागपुर में बैठते हैं, उनको कॉल किया, बोला आप आ जाइए, आपके साथ चलते हैं, उन विद्यालयों को देखते हैं जो बच गए हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कैमरे और आपके सामने ही देख लिया जाए। तो वे बोले नहीं, मैं तो आ नहीं सकता, आप मेरे कार्यालय में क्यों नहीं आ जाते। हमारा जवाब था कि घटनास्थल पर आकर के स्थिति को देखा जा सकता है, न कि आपके ऑफिस में। तो बोले कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन में मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं आऊंगा। यश मेडिक को कॉल करने से पहले हम लोगों ने गढ़चिरौली जिला के कलेक्टर और DM शेखर सिंह को कॉल किया, उनको भी इस घटना की सारी बातें बताई, यहाँ की दिक्कतों को बताई, विद्यार्थियों की दिक्कतों को बताई, और ये बोला गया कि हमें आपके अपॉइंटेड ऑफिसर सचिन उम्बासी के द्वारा धमकी दी जा रही है। उन्होंने भी कुछ करने का भरोसा तो दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने सरकार के इस क्रम में सभी अपॉइंटेड ऑफिसर जैसे कि शेखर सिंह, EH मडिक और श्रीमती मनीषा वर्मा को कॉल करने की कोशिश की। श्रीमती मनीषा वर्मा उस समय ऑफिस में अनुपस्थित थी क्योंकि वो छुट्टी पर थी। फिर हम लोगों ने बात करने की कोशिश की कि उनकी जगह पर अपॉइंटेड ऑफिसर कौन है। उनसे भी हम लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं आते विद्यालयों में हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में मदद करें, क्योंकि बाकी विद्यालयों की स्थिति इससे और ज़्यादा दयनीय और ज़्यादा भयावह थी। उन्होंने भी बात नहीं की, पूरी बात बिना सुने हमारे टेलीफोन्स को काट दिया गया। इसी क्रम में राजे अमरीश राव, जो कि गार्डियन मिनिस्टर हैं, गढ़चिरौली से आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि गढ़चिरौली के MLA भी हैं, उनको इन सारी बातों को बताया गया, उन्होंने भी बातें सुनी, हमने उनको मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपॉइंटमेंट देते हैं, हम मिलेंगे, लेकिन आगे उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया। रही सही कसर तो तब पूरी हो गई जब हम लोगों ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को कॉन्टैक्ट किया। विनोद तावड़े जी को कॉल किया, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, फिर हम लोगों ने एक मैसेज डाला, फिर दूसरा मैसेज, 2 मैसेज के बाद उनका जवाब आया इस घटना पे कि मैं बात करूंगा, लेकिन उनका कोई कॉल कई दिनों तक जब नहीं आए तो फिर हमने उनके PA को कॉल किया। हमने उनके PA से बात की तो उन्होंने किसी और व्यक्ति का नंबर दिया, और जब उस व्यक्ति से बात की गई, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि वो शिक्षा मंत्री के PA हैं, आप उनकी आवाज़ सुनिए, हमने उनसे क्या बात की और उनका क्या एक्शन रहा, आप सुन सकते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी बात कर रहा हूँ न्यूज से। हाँ बोलिए ना। और विषय से संबंधित मैंने आपको जानकारी मैसेज के थ्रू दी है। अब मुझे ये बात करनी कि गढ़चिरौली में गया हुआ था आज के 4 दिन पहले, मैंने वहाँ के विद्यालयों की स्थिति देखी है, वहाँ पर सैकड़ों बच्चों का घनघोर उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, और उसी के सिलसिले में मुझे वो सारे ऑन रिकॉर्ड है, उत्पीड़न और शोषण की जो भी शब्द है उसकी उच्चतम पराकाष्ठा वहाँ पर तोड़ी जा चुकी है, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो उसी के सिलसिले में मुझे विनोद तावड़े जी से एक इंटरव्यू शेड्यूल करना था, बातें करनी थी, पूछना था, तो जितना जल्दी हो सके, चूंकि वहाँ पर मैंने वहाँ की जितनी हायरार्की है, जो गवर्नमेंट से अपॉइंटेड ऑफिसर हैं, उन सबसे मैंने बात की, कोई खास वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है, इस वजह से मैंने आपको फोन किया है, और ये सब बातें जो आपसे हमारी हो रही है ये ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है। गढ़चिरौली में कौन से स्कूल है सर बोले आपने? 4-5 स्कूल में मैं गया था, बाकी के लिए तो मुझे वहाँ पर रोक दिया गया, यहाँ तक की धमकी दी गई वहाँ के कलेक्टर से कि आपके ऊपर मैं FIR लॉन्च कर लूंगा। अच्छा, ठीक है। और मैंने कहा बाकी के विद्यालयों को आप मेरे सामने क्यों नहीं चलते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो कोई जाने से मना किए,
सब लोग मुझे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। अरे ऑफिस में बैठ करके उनका इन्वेस्टिगेशन होगा या ग्राउंड पे? नहीं, वहाँ जो उनके जो चिल्ड्रन के स्कूल है ना, उसमें क्या दुरावस्था कहा आपने? क्या बोल रहे हैं? उसमें आपको क्या दुरावस्था है कहा आपने? दुरावस्था यह है कि वहाँ के जितने भी टीचर हैं उनको, मैक्सिमम टीचर को तो भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, वो सब रिकॉर्डेड है। छोटे छोटे बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है, वो रिकॉर्डेड है कैमरा में। वहाँ पर उनको जो जूता चप्पल या जो भी पैसे दिए जाते हैं वो सब पैसे गायब है, और किसी के पैर में चप्पल या जूते नहीं है। एक एक विद्यालय में, एक एक हॉस्टल में, विद्यालय की जो हॉस्टल है, हॉस्टल तो है नहीं, क्लासरूम में ही रहते हैं, वही हॉस्टल है, वही क्लासरूम है, वही जूता है, वही चप्पल है, वही थाली है। ठीक से तो पंखे चल रहे हैं, ऊपर के सब सेट टूटे हुए हैं, गैस सिलेंडर जो खाना बनाने के लिए वो है ही नहीं, कंप्यूटर सब गायब है, उसके अंदर तो बटन नहीं है तो कंप्यूटर क्या रहेगा। बराबर तो ऐसी इतनी बुरी स्थिति है। अब बच्चों का सोचो, 4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा जो आदिवासी है उसको रखा गया है, वो बुखार से पीड़ित है, वो जमीन पे लेटा हुआ है। ऐसा एक 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 क्लासरूम में 80-80 लड़कियां रखी गई, कम से कम मैंने 400 लड़कियों का और लड़कों का रिव्यू लिया होगा, वहां रिकॉर्ड है। मैंने पूछा है, फ्रूट नहीं मिलते, दूध नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं मिलता। ये विद्यार्थी कितना कक्षा के है? ये विद्यार्थी कक्षा 1 से लेके कक्षा 10-11 तक के लोगों का मैंने रिव्यू लिया है। टीचर को क ख लिखना नहीं आता, क ख समझ है ना, वही से शुरुआत होती है। अ से लेके ज्ञ तक में कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं उनको नहीं पता है। सर्विस लिखने नहीं आता, जिनको आप लोग इतनी सैलरी देते हो उनको सर्विस लिखने नहीं आता, उनको गवर्नमेंट लिखने नहीं आता। ग्रामर और पार्ट ऑफ स्पीच और नाउन प्रोनाउन जो 12वीं तक के बच्चे को पढ़ाता है टीचर, उसको संज्ञा सर्वनाम नहीं पता है, उसको मतलब क्लास 1 तक की जानकारी नहीं है। कक्षा 1 के बच्चों को जितनी जानकारी होनी चाहिए वहाँ के हेडमास्टर को नहीं है, वो क्या पढ़ा रहा है बच्चे को और वो क्यों रखा गया वहाँ पर जब उसको आता ही नहीं है। तो और आज तक जो सैलरी लिया है वो सैलरी का आप लोग रिकवरी कैसे करेंगे, उसको टर्मिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि वो सस्पेंड होने की स्थिति में नहीं है, वो फिर कभी नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। ओके सर बताइए। जब महाराष्ट्र के सारे संबंधित ऑफिसर, शिक्षा मंत्री, गार्डियन मिनिस्टर को कॉन्टेक्ट करने के बाद कोई असर नहीं हुआ तो हम लोगों ने डायरेक्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कॉन्टेक्ट किया, देवेंद्र फडणवीस से बात करनी चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट लेना चाहा, इस खबर पे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। हम लोगों ने जब पूछनी चाहिए तो उनके पीए से हमारी जो बात हुई आप सुन सकते हैं। फिलहाल अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं आया, अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया। तो आप सुन सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पीए तक हमारी क्या बात हुई और उन्होंने क्या जवाब दिया। हेलो हेलो, ये बात मोकासी जी से हो रही है? हाँ मोकासी जी, नमस्कार। मैं ब्रह्मानंद तिवारी बात कर रहा हूँ 107 न्यूज से, एडिटर इन चीफ। बताइए। एक इशू है जिसके मामले में मुझे फडणवीस जी से बात करनी थी। दिक्कत यह है कि गढ़चिरौली गया हुआ था मैं कल, मेरी बात सुन रहे ना, रिकॉर्ड हो रही है आपकी बातें जी। मुकासी जी आप बात की गंभीरता को सुनिए, समझिए, अगर आपको लगता है कि मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकता है तो आप इमीडिएटली कराएं, जितना जल्दी कर सकते हैं। गढ़चिरौली गया था मैं पिछले 4 दिन से, वहाँ पर मैं एजुकेशन के ऊपर एक रिसर्च कर रहा था, एक स्टोरी कर रहा था। वहाँ पर जो आदिवासियों के बच्चों के लिए विद्यालय बनाए गए हैं वहाँ पर उनका गहन शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है। मतलब ये शब्द शोषण और उत्पीड़न जितना बोलने के लिए है, जेल से ज्यादा बदतर स्थिति वहाँ के विद्यालयों की है। वहाँ के टीचर, प्रिंसिपल और जिम्मेदार जो भी ऑफिसर है सब लोग मिलकर के सैकड़ों हजारों बच्चों के भविष्य के साथ घनघोर धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। उनके टीचर को गवर्नमेंट और नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, बच्चों का कोई भी रख रखाव एक एक स्कूल के एक एक रूम में उसी में रखा जा रहा है, उसी में पढ़ाया जा रहा है, उसी में सुलाया जा रहा है। बच्चे जमीन पे सो रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि जो लड़कियों को नहाने की जगह है उसके अंदर गेट नहीं है। वार्डन तो सैलरी ले रही है लेकिन वो गायब है। मतलब बहुत सारी चीजें, कई घंटों की रिकॉर्डिंग है, बहुत बड़ी स्थिति, बदतर है। फडणवीस जी से इस मामले में मुझे एक रिव्यू लेना है, एक अपॉइंटमेंट चाहिए।
हेलो हाँ मैं बात करके आपको बताता हूँ ना।